आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। इस समय पूरे देश में मामा बाबा के बुलडोजर की दहशत अपराधियों में समाई हुई है। पूरे देश में इस समय केवल बुलडोजर की चर्चा है, लेकिन इन सबके बीच जालसाज कौस्तुभ जैसे आरोपी करोड़ों का गबन करने के बाद भी खुलेआम घूम रहे हैं। जालसाज कौस्तुभ की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय के द्वारा पुलिस को 3 सप्ताह का समय दिया गया, लेकिन पुलिस के हाथ आने के कुछ ही समय बाद वह थाने से कैसे निकल गया। हम आपको बताना चाहेंगे कि जालसाज कौस्तुभ को रीवा के अलावा इंदौर, देवास, शहडोल, नीमच सहित 5 जिलों की पुलिस तलाश रही है। इन्हीं में से एक पीड़ित संदीप मिश्रा के द्वारा पनवार थाने में कौस्तुभ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके साथ 30 लाख की ठगी का आरोप लगाया गया है। फरियादी का कहना है कि उसने पेटी कॉन्टैक्ट में मोबाइल टावर लगाने के लिए काम लिया था। काम करने के बाद आरोपी के द्वारा पैसे नहीं दिए गए और जब चेक दिया गया तो वह भी बाउंस हो गया। फरियादी का आरोप है कि एसटीएफ के एक अधिकारी व कुछ नेताओं की सरपरस्ती में पुलिस उसे गिरफ्तार करने में आनाकानी करती है। इसी मामले को लेकर आज फिर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में फरियादी के द्वारा आरोपी के गिरफ्तारी को लेकर फरियाद की गई है। आपको बता दें कि वैसे आरोपियों के खिलाफ मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अभी तक एक्टिव मोड पर दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि इस आरोपी तक कब मामा का बुलडोजर पहुंचेगा, या फिर जिस तरह से आरोपी के ऊपर एसटीएफ के एक अधिकारी एवं नेताओं के सरपरस्ती का आरोप फरियादी के द्वारा लगाया जा रहा है, तो क्या बुलडोजर की गति धीमी हो जाएगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। आज आप ये एसपी कार्यालय में ज्ञापन देने हैं, क्या मामला क्या है? भैया मैं देने आया हूँ, ये मामला ये है कि मेरा नाम संदीप कुमार मिश्रा है और मैं कौस्तुभ ऋषि कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ काम किया था पेटी कॉन्ट्रैक्ट में, जिसने मेरे से 6 साइडों में काम करवाया और 6 साइडों का भुगतान उसने मेरे को नहीं किया। उसने मेरे को लास्ट में 24 लाख का चेक दिया, जो वो भी बाउंस हो गया, जो न्यायालय में प्रकरण दर्ज है, केस चल रहा है। तो श्रीमान जी से मेरा निवेदन है कि आरोपी को गिरफ्तार करें, जिसमें से आरोपी के ऊपर 5 जिलों में अलग अलग FIR दर्ज हैं। देवास में है, नीमच में है, रीवा में है, शहडोल में है, इन जिलों में अलग, इंदौर में है, और 2 थानों में इनाम घोषित भी हो गया है, एक थाने से 20,000, एक थाने से 3,000 रुपये, जिसमें से पुलिस उसको 3 बार गिरफ्तार कर चुकी है और 3 बार किसी उच्च अधिकारी के फ़ोन से, एसटीएफ के उच्च अधिकारी के फ़ोन से उसको छोड़ दिया गया है, जो फ़ोटो मैंने दे दिया है मीडिया में। और मैं चाहता हूँ कि उसको गैर जमानती धारा लगे हुए हैं और उसको कैसे छोड़ दिया जाता है, तो उस अधिकारी की जांच की जाए और अपराधी को, आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। एक व्यक्ति द्वारा करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया, ठगी की गई जी, इसके बाद भी आप उनके साथ कैसे काम किए, आपको पहले पता नहीं चला था? मैं पहले उसने मेरे साथ नहीं किया था, ये काम करने के बाद उसने घोटाला किया है, काम करने के बाद, उससे पहले उसने नहीं किया था, काम करने के बाद ही घोटाला किया है और तभी फिर मैंने काम करना बंद कर दिया है। आरोपियों के ऊपर मुख्यमंत्री का बुलडोजर चल रहा है, आप क्या मानते हैं कि ये कार्रवाई अधिकारी के उसमें रोकी जा रही है? जी हाँ, अधिकारी उसमें रोकी जा रही है। ऐसा कौन दबंग अधिकारी होगा? अब एसटीएफ का अधिकारी है दबंग, जो उसके फोन से वो छूट रहा है और वो जाँच अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं कि वो जाँच मैं करूँ ताकि इसमें खात्मा लग सके, वो इसमें खात्मा लगवाना चाहते हैं कि ये इसमें खात्मा लग जाए। इनके क्या रिलेशन है, क्या आपको पता है? हाँ, इनके कुछ मतलब फैमिली रिलेशन है। आरोपी कौन है? जो आरोपी है कौस्तुभ ऋषि, पिता अरुण ऋषि, उज्जैन का रहने वाला, माधवनगर थाना। आपने इनके साथ क्या पेटी कॉन्टैक्ट? मैंने पेटी काम किया है और मेरे पास सबूत भी हैं, मेरे मेल में इनके मेल आते थे और मेरे नाम से परचेस ऑर्डर भी है PO, जो मैंने थानों में दे दिए हैं। क्या काम करते थे? मैं पेटी का काम करता था, टावर का, जियो टावर का, सिविल का काम, इलेक्ट्रिक काम और इरेक्शन काम किया हूँ, जिसमें से आरोपी को एक भी बार मतलब थाने नहीं बुलवाया गया है, हर बार थानों से मेरे पास ही फ़ोन आता है, ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, और मैं परेशान हो चुका हूँ सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम संदीप कुमार मिश्रा है, मैं रहने वाला हूँ वार्ड नंबर 43 ललपा। रीवा में कहाँ पे शिकायत की, कौन से थाने? रीवा में मैंने किया है पनवार थाना में और शहडोल में पपौन थाना में।